मैं शिवलाल गुप्ता जी, वो यहाँ पे खोखे का काम करते हैं और साथ में ये तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो अपना परिवार चला रहे हैं, एक रोजी रोटी है उनकी। तो उनको पता नहीं किस बेस में मारा गया, तो टाइम जब वो आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ा कि उनको खून इतना ज़्यादा निकल रहा था कि हमें उनको मौके पे मेडिकल भेजना पड़ा। होते ही रहते हैं कि कुछ लोग डिप्रेशन भी है, कोई लोग आजकल नशेड़ी भी हैं, चिट्टेबाज भी हैं, जो चिट्टा को यूज़ कर रहे हैं, जिनको चिट्टे की धूड़ है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करें दृश्य जेके चैनल के माध्यम से। चौक चबूतरे के आपको बता रहे हैं, जहां पे एक व्यक्ति पे एक हथियार से जो है हमला किया गया। पुलिस प्रशासन की टीमें जो है वो मौके पे पहुंची और जांच कर रही है। फिलहाल एक शख्स को इसमें पकड़ा गया और जिसे चोट लगी है उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीमें जगह जगह यहाँ CCTV कैमराज जो है वो देख रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या है। साथ के साथ शेयर करें। आज इधर ये जो सामने दुकान है, एक खोखा है, जो उस पर एक लड़के ने उसके हाथ पे चक्कू से उस पर वार किया है और वो जो विक्टिम है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। और पुलिस की उससे तत्परता से हमने वो जो है एक्यूज्ड को भी इस समय गिरफ्तार कर लिया है। वेपन ऑफ ऑफेंस भी अभी तक हमारे पास है, उसको भी हमने जब्त कर लिया है। अब FSL की टीम आएगी, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ पे उसको इंजरी आई है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया हम लोगों ने, और लोगों का भी बड़ा अच्छा इधर साथ रहा। तो और सिविल सोसाइटी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो और पुलिस का तो आपको अगर पता ही है, इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस हर फ्रंट पे अच्छा काम कर रही है। तो इस पर भी विद इन नो टाइम हमारी सारी टीम इंक्लूडिंग चौकी ऑफिसर और मैं भी विद इन नो टाइम शायद मोटरसाइकिल पे ही मैं इधर आ गया था। कल्प्रिट हम पकड़ चुके हैं और इस समय चौकी में वो बंद है। अभी तक ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना ही कहूँगा। बिल्कुल 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 स्थानीय, मैं इतना ही कहूँगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब ये आगे हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि रंजिश क्या थी, वजह क्या थी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम से पुलिस यहाँ पे आई है और एक्यूज को अरेस्ट किया गया। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस को अरेस्ट नहीं किया, पुलिस को टाइम से पुलिस ने उसको जो जिसने मारा था उसको अरेस्ट किया गया, और जिसको लगी है उसके हाथ के आर पार चाकू हुआ है। क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जम्मू में ऐसे मामले? देखो, पुलिस का काम पुलिस ने बहुत अच्छी खूबी की है, और सारे ऑफिसर मौके पे यहाँ पे आए, उन्होंने मौके पे यहाँ पे देखा, और जिनको लगी गई है तो वो अभी हॉस्पिटल में है। फिलहाल जब ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ही हम सबको पता चलेगा कि कितनी लगी है कितनी नहीं। और कुछ लोग आजकल पुलिस को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जम्मू पुलिस इज़ द बेस्ट पुलिस। अभी कह रहे हैं कि कोई कार्ड वाला है जिसने चाकू मारा है, वो थोड़ा डिप्रेशन ही, मेंटली डिप्रेस्ड है बंदा जिसने उसको मारा है। अब ये पता नहीं है किस बेस में मारा है, क्या बात हुई है क्या नहीं, वो तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं तो JKP का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनको जैसे ही कॉल की है, JKP क्या चौकी इंचार्ज SHO टाइम से यहाँ पे आए और उसको एक्यूज जिसने मारा था उसको अरेस्ट कर लिया।